आगे बढ़ते हुए अब बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सूत्रों के वाले से है और बीजेपी से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है, जहां पर पहली लिस्ट तो 195 कैंडिडेट्स की सामने आ गई है। खबर ऐसी है कि अब जल्द ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी सामने आने वाली है, बीजेपी की दूसरी सूची जिसमें 150 कैंडिडेट्स के नाम होंगे, जो सूत्रों के हवाले से अभी तक अपडेट है। पहली सूची 195 कैंडिडेट्स की, दूसरी जो सूची बीजेपी की जारी होगी उसमें 150 सीटों का जिक्र होगा, यानी कि 150 कैंडिडेट्स के बारे में जानकारी होगी। बीजेपी लगातार मंथन कर रही है, पहली सूची सामने से आने के बाद भी जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, मीटिंग्स का दौर और साथ ही साथ बीजेपी आलाकमान की मोहर के बाद ही कोई भी सूची जिस पर मोहर लगते हुए फाइनल की जाएगी। अब 150 कैंडिडेट्स के नाम सामने आ सकते हैं। प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट को लेकर बीजेपी ने बैठक भी की है। बड़ी खबर ये है कि दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई है, लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर इसमें चर्चा हुई है। 8 मार्च को माना यह जा रहा है कि बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में इस पर फाइनल मोहर लग जाएगी और उसके बाद जो सूची है वो सामने आ जाएगी, यानी कि उसे सार्वजनिक किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा कौन कैंडिडेट कौन सी सीट से चुनाव लड़ रहा है। कुछ बड़े चेहरों को लेकर मंथन अभी चल रहा है। जो बड़े चेहरे जिनका लिस्ट में पहली में नाम नहीं आया उनको लेकर ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दूसरी लिस्ट में उनका नाम होगा क्या, या फिर क्या कहीं टिकट कट तो नहीं गया है। ऐसे तमाम सवाल हैं। 8 मार्च तक का इंतजार करना होगा। 8 मार्च तक माना यह जा रहा है कि फाइनल मोहर लग जाएगी और उसके बाद सूची सामने आएगी। बड़ी खबर आगे बढ़ते हुए अगली बिहार से जुड़ी हुई है। बिहार जहां पर बीजेपी कम से कम 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये सूत्रों के हवाले से अपडेट मिल रहा है। जेडीयू को 15 से 16 सीटें देने की तैयारी कर रही है बीजेपी। एलजेपी के दोनों गुट को 4 से 5 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। एलजेपी को एक राज्यसभा की सीट भी दी जा सकती है, क्योंकि कॉम्पनसेट वहां करना होगा, राज्यसभा की एक सीट और इसके अलावा फिर लोकसभा में सीट। लेकिन साथ ही साथ जेडीयू को 15 से 16 सीटें इनफैक्ट देने पर बीजेपी विचार कर रही है, जबकि एलजेपी को 4 सीटें दी जा सकती हैं। कुल मिलाकर 40 सीटें हैं बिहार में। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अभी तक भी सीटों को लेकर फाइनल फैसला सामने आ नहीं पाया है। दिल्ली से मेहंदी गर्ग मेरे साथ जुड़ गई हैं, हिमांशु भट्टी हमारे साथ में है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, राहुल लाल भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मेहंदी, मैं आपका रुख कर रही हूँ, पहली लिस्ट सामने आई, लिस्ट को लेकर चर्चा अभी तक चल रही है, 195 कैंडिडेट्स और सीटों पर जानकारी साझा की गई है। दूसरी लिस्ट को लेकर जानकारी क्या है? मीटिंग्स तो चल रही हैं, लेकिन लिस्ट सामने कब आएगी, कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं, कितने नाम हो सकते हैं, कितनी संख्या होगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पहली लिस्ट ने सबको चौंका दिया था, अब सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि दूसरी लिस्ट उससे ज्यादा चौंका देने वाली होने वाली है। 150 से 155 की एक्सपेक्टेशन पहली लिस्ट की गई थी, लेकिन 195 उम्मीदवारों का नाम सामने आना बेहद चौंका देने वाला था। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत से बड़े नामों की टिकट कटी दिखाई दी पहली लिस्ट। दूसरी लिस्ट यही कहा जा रहा है बड़े चेहरों की टिकट काटी जा सकती है और कुछ नए उम्मीदवार उन सीटों पर लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कल मीटिंग हुई। मेहंदी थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम है, उसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं, शायद कोई नेटवर्क इशू है। मैं यही सवाल हिमांशु जी से कर लेती हूँ। पहली लिस्ट सामने आई, बड़े चेहरों को लेकर जानकारी सामने आ गई, जिसमें सबसे बड़ा नाम तो प्रधानमंत्री मोदी का ही था, लेकिन दूसरी लिस्ट में उम्मीद कौन कौन से चेहरों को लेकर, या फिर ये कहूँ मैं कि इंतजार कौन से चेहरों को लेकर आप कर रहे हैं? नहीं, बंबई की सीटें हैं, वहां पर हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक आध केंद्रीय मंत्री को वहां से लड़ाया जाए, हो सकता है, ये भी एक शक्यता है। दूसरी बात, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि 150 नहीं, मेरा ये मानना है कि 150 से भी ज़्यादा उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं होंगे और वो भी आएंगे उससे इसी सीट में। यूपी में जो बाकी है वो भी आ सकते हैं, साथ में बिहार का गठबंधन जो है वो गठबंधन लगभग तय हो चुका है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी उनका तय हो चुका है, भले ऑफिशियल नहीं किया गया है। और वही बात उड़ीसा में भी है। उड़ीसा में मुझे ये ताज्जुब नहीं होगा कि नवीन बाबू फिर से एनडीए के फोल्ड में आ जाए। देखिए, सीट शेयरिंग होता है और तभी जाके लिस्ट फाइनल होके बाहर आती है और ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। तो दूसरे लिस्ट में ऐसे कई चेहरे जो समाविष्ट होंगे वो ये सीट शेयरिंग के फॉर्मूला से बाहर निकले हुए चेहरे। और जहां तक बिहार का सवाल है, आप बता रहे थे, तो बिहार में मुझे जहां तक समझ में आता है होगा क्या कि चिराग पासवान और एलजेपी बिहार इंटरेस्टिंग है तो सही, लेकिन राहुल लाल भी इस पर रिएक्शन देना चाहते हैं।